सो गाइस भाई आए हुए हैं सीखने के लिए कार बहुत दिनों से और किसी के प्रेफरेंस से आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। तो फाइनली आज इनको कार सीखनी है बेसिक लेवल से कि हमें क्या क्या नॉलेज लेना चाहिए पहले दिन। और कभी पहले गाड़ी चलाई आपने? थोड़ी सी चलाई है। थोड़ी सी? क्या कहा आता है अभी फिलहाल? बस बेस मतलब हल्का फुल्का ही आता है। क्या क्या फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज बताएंगे आप, जैसे गाड़ी में कभी कार चलाई होगी थोड़ा बहुत, तो गियर का नॉलेज थोड़ा सा चलाया था आपने ड्राइविंग। तो आज हम सीखेंगे, देखो ड्राइविंग करते टाइम हमें चीज़ों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, सेटिंग करना। सेटिंग क्या होती है? नीचे एक लीवर होता है, नीचे देखो ऐसे आप होता है देखो, ठीक है। सेटिंग सही होती है तो ड्राइविंग करना बहुत आसान होता है। करो हमें एक हाथ यहाँ होना चाहिए नीचे, सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट लगाओ उधर साइड से। ये दो चीज़ें बहुत जरूरी, सबसे पहले पर सेटिंग। सेटिंग सही नहीं होगी तो सामने का विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगा, पैरों का पोजीशन सही नहीं होगा, है ना। सीट बेल्ट, इसके बाद ध्यान रखना है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट संभालना है, ठीक है। ये होता है स्टीयरिंग, राइट घुमाने में राइट जाती गाड़ी, लेफ्ट घुमाने में लेफ्ट जाती गाड़ी, ठीक है। ये इंडिकेटर होता है, लेफ्ट के लिए ऊपर होता है, राइट के लिए नीचे होता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना, दो चीज़ें ये हो गई, ठीक है। लेफ्ट के लिए ऊपर, राइट हाथ ये है तो आपको कॉमन सेंस खुद लगाना, यूज़ करना कि राइट के लिए नीचे, लेफ्ट के लिए इधर ऊपर, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं नीचे। लेफ्ट तरफ क्लच होता है, बीच वाला ब्रेक होता है, राइट तरफ एक्सीलेटर होता है। क्या होता है कि क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है, ये तीन चीज़ों को अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लच होता है इंजन कंट्रोल करने के लिए, क्लच 99% काम आता है। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्लच ब्रेक दबा के स्टार्ट करते हैं, ब्रेक लगाना है तो अगर स्लो चल रहे हैं थर्ड गियर में सेकेंड गियर में तो क्लच दबा के ब्रेक लगाते हैं 35 से नीचे। अगर 50-60-100 चल रहे हैं तो डायरेक्ट ब्रेक लगाते हैं 35 के नीचे क्लच दबाना कंपलसरी है स्टॉप करने के लिए। किसी भी कंडीशन में सेकंड गियर थर्ड गियर में ड्राइव कर रहे हैं तो क्लच दबा के ही ब्रेक लगाएंगे, गियर भी क्लच दबा के ही लगाएंगे, गियर उतारेंगे तो क्लच प्रेस करके उतारेंगे। तो क्लच का जो नॉलेज है, क्लच का जो यूज़ है ना, 99% है, ठीक है। अब तीन इंस्ट्रूमेंट्स को कौन कौन से पैर से ऑपरेट करना है। लेफ्ट वाला पैर हमेशा क्लच को ऑपरेट करेगा, लेफ्ट तरफ है, राइट ये क्लच है, बीच वाला ब्रेक है, राइट तरफ एक्सीलेटर है, ठीक है। लेफ्ट वाला पैर क्लच को ऑपरेट करेगा, राइट वाला पैर ब्रेक को ऑपरेट करेगा और एक्सीलेटर को। राइट वाला पैर दो चीज़ों को ऑपरेट करता है, ब्रेक और एक्सीलेटर को, और क्लच जो होता है वो हमेशा लेफ्ट वाला पैर, ये पैर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइड ओवर भी हम ठीक है दोनों तरफ के, ठीक है। अब कार स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्लच को प्रेस करके स्टार्ट करो। ये स्टार्ट हो गई गाड़ी, ठीक है, 57 स्टार्ट किया। अब ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा टास्क होता है गाड़ी को आगे बढ़ाने का। अब ये चीज़ खुद से भी सीख सकते हो वीडियो के माध्यम से, ग्राउंड पे ले जाके गाड़ी कि कैसे आप उनको आगे पीछे करना है। सबसे बड़ा टास्क होता है गाड़ी को आगे बढ़ाना, तो भाई गाड़ी होती है बंद। कार को आगे बढ़ाते टाइम हमें क्लच को कितना रिलीज करें कि कार बिना बंद हुए आगे बढ़ जाए। फर्स्ट कि जब दो तरीके से क्लच को रिलीज़ किया जा सकता है, सिर्फ ये दो तरीका, इसके अलावा तीसरा तरीका कोई से भी नहीं है। जब प्लेन जगह में अगर कार खड़ी हुई है तो क्लच को सिर्फ हाफ छोड़ना है वाइब्रेशन मोड तक, गाड़ी ऑटोमेटिक उठ जाएगी। वाइब्रेशन मोड कैसे, हाफ कैसे अपन को मैच करेंगे, क्लच को जब छोड़ेंगे तो एक वाइब्रेशन मोड आएगा जिसे बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट क्लच। जैसे वाइब्रेशन होने लगी क्लच को वहीं रोक देना, गाड़ी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। यही चीज़ अगर गड्ढे वड्ढे में है तो बाइटिंग पॉइंट तक तो क्लच छोड़ना है, उसके साथ में थोड़ा सा एक्सीलेटर लेना, इसे बोलते हैं नॉर्मल क्लच, ठीक है। ये मैंने लगाया गियर, क्लच को रिलीज करो धीरे, हाफ क्लच पे, ब्रेक आपने हार्ड लगाया, क्लच को पूरा नहीं छोड़ना, आपने क्लच को पूरा छोड़ा था, हाफ क्लच छोड़ो, एकदम से गाड़ी नहीं उठना चाहिए, धीरे धीरे उठना चाहिए, और धीरे और धीरे और धीरे और धीरे और धीरे, ये उठी गाड़ी, झटके से नहीं उठी है ना। अगर फिर तो रोकना पड़ जाए तो पूरा क्लच प्रेस करो, हल्का हल्का ब्रेक धीरे धीरे, ये और कम करना है, ये हार्ड प्रेस हुआ है, ब्रेक छोड़ो, फिर से छोड़ो, रिलीज करो धीरे धीरे बिल्कुल बारीकी से क्लच, और धीरे और ये भी जल्दी छूटा आपने, फिर स्टॉप करो क्लच दबा के आराम से ब्रेक हल्का हल्का, और धीरे करना ब्रेक को बिल्कुल, हाँ ये झटके आ रहे ना, ये नहीं आना चाहिए, फिर बढ़ा धीरे धीरे, ब्रेक छोड़ो बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे और धीरे, बस बस ये और इससे, हाँ ये स्मूथ उठनी चाहिए गाड़ी, एकदम से नहीं उठनी ना, एकदम से ब्रेक लगाना, ठीक है, छोड़ दिया क्लच को। इस तरीके से अपन को ड्राइविंग सीख सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। घुमा दिया धीरे धीरे, चलने दो चैप्टर 6 है ये,
पार्ट सिक्स, ठीक है, चलने दो, बढ़ाते जाओ, समझ में आ चीजें। सो गाइस, अगर न्यू बिगनर से आप चीज सीखना चाहते हैं तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आप आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टिप्स लेके। जय हिंद, जय भारत।